सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ऑटोबान ट्राइकलर एलईडी की, जिसकी कॉस्ट लगभग 3000 रुपये है। और ये मैंने अपनी होंडा बीआरवी के लिए परचेस की है और इसको अपन इंस्टॉल करेंगे फॉग लाइट में। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये ट्राइकलर एलईडी है, तो इसमें तीन टाइप की हमें रोशनी देखने को मिलेंगी, जो कि पहला रहेगा 3000 केल्विन गोल्डन येलो, 4300 केल्विन वार्म वाइट, 6500 केल्विन प्योर वाइट। बात करें पावर कंजप्शन की, तो यहाँ पर एक बल्ब 40 वाट की पावर कंज्यूम करेगा और 8000 ल्यूमिन की ये हमें लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर ये देखने को मिलता है वारंटी कार्ड, और ये हैं हमारी एलईडीज। तो इनको बाहर निकालते हैं। तो ये रही हमारी ट्राइकलर एलईडी। और यहाँ पर आप दो एलईडी स्ट्रिप्स देख पा रहे होंगे, जिनमें एक येलो लाइट प्रोवाइड करेगी और एक वाइट। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पीछे इसमें फैन दिया गया है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका ब्लास्टर, और ये देख पा रहे हैं ये सॉकेट जो है H11। और ये रहा इसका वारंटी कार्ड, और इसमें हमें 2 साल की वारंटी देखने को मिलती है। और ये रहा एक H11 बल्ब, जो अपन यहाँ पे लेंथ नाप के देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सॉकेट के ऊपर की जो लेंथ है वो लगभग सेम है, मींस बीम पैटर्न जो रहेगा वो लगभग सेम रहेगा। नीचे साइड बस एलईडी में फैन है, तो एलईडी थोड़ी लंबी है। तो अब चलते हैं अपनी कार के पास और करते हैं इनको इंस्टॉल। तो ये रही मेरी कार होंडा बीआरवी। तो इनको अपन इंस्टॉल करने वाले हैं फॉग लैंप में, तो इस कवर को बाहर निकालना रहेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे मैं ऑक्सीटो की 3000 केल्विन वाली एलईडी यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अपन इंस्टॉल करने वाले हैं ट्राई कलर एलईडी। तो जल्दी से इंस्टॉल करते हैं, फिर मैं आपको इसकी रोशनी दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी ट्राई कलर एलईडी इंस्टॉल हो चुकी हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी रोशनी। अभी ये वाइट जल रही थी, अब ये हुई गोल्डन येलो, और एक बार और बंद करके ऑन करूँगा तो ये हो जाएंगी वार्म वाइट। अभी ये वार्म वाइट है, ऑफ करके ऑन करेंगे तो ये हुई प्योर वाइट, और अब ये गोल्डन येलो, और फिर से वार्म वाइट। तो बस अब करते हैं रात होने का इंतज़ार, और रात के टाइम इनका सैंपल देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे सैंपल लिए हैं नाइट के टाइम के, जो आप आगे देख सकते हैं। ये मैं कार के सामने खड़ा हूँ, और सामने से आप फॉग लाइट की रोशनी देख सकते हैं। अब मैं कार के राइट साइड खड़ा हूं, और यहां से आप सैंपल देख सकते हैं। अब मैं कार के लेफ्ट साइड से भी आपको सैंपल दिखा देता हूं। और अब मैं दोनों हेडलाइट के बीच में खड़ा हूँ, यहाँ से आप सैंपल देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो येलो लाइट है उसकी जो डिस्टेंस है वो थोड़ी कम है। यहाँ पे वार्म लाइट की काफ़ी दूर जा रही है, वाइट की भी काफ़ी दूर जा रही है, बट केवल गोल्डन येलो जला रहा हूँ तब। तो आप देख सकते हैं लेंथ थोड़ी यहाँ पर कम देखने को मिल रही है, 4300 केल्विन में आप येलो और वाइट दोनों लाइट एक साथ ऑन देख सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये येलो, और इसके ऊपर साइड वाइट। और अब मैं कार के अंदर आ गया हूँ, यहाँ से भी आप सैंपल देख सकते हैं।
तो यहाँ मैं कार की हेडलाइट ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये लो बीम, ये हाई बीम, ये लो बीम, ये फॉग लाइट। और अब ये कार चलाते टाइम के भी सैंपल आप देख सकते हैं। और हम चाहें तो इन एलईडी को हम हेडलाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी बीआरवी में प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर के हिसाब से इनकी रोशनी थोड़ी मुझे कम लग रही है। अगर आपकी कार में रिफ्लेक्टर है तो आप एक बार लगा के इनको देख सकते हैं, हेडलाइट में भी ये अच्छे से वर्क करेंगे। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये एलईडी हमें किस तरह की रोशनी देती है। और मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है ये एलईडी, क्योंकि हमें इसमें तीनों प्रकार की रोशनी देखने को मिल जाती है। इससे पहले मैं जो एलईडी यूज़ कर रहा था वो थी ऑक्सीडो कंपनी की, और उसमें केवल एक ही कलर ऑप्शन था, 3000 केल्विन गोल्डन येलो। और इस वाली एलईडी में हमें तीनों टाइप की रोशनी देखने को मिल जाती है, और रेंज लगभग वही है, 3000 रुपये की वो भी मंगाई थी और लगभग 3000 की ये भी है। तो मेरे हिसाब से ये एक बेहतर डील रहेगी। तो अगर आप भी ये एलईडी परचेज़ करना चाहते हैं तो इनका परचेज़ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।